हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के टैबलेट के बारे में। जहाँ दोस्तों टैबलेट आपने बहुत देखा होगा 3G 4G, लेकिन यह पहली बार ऐसा है जो कि सैमसंग का 5G टैबलेट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी यह केवल कोरिया में ही लॉन्च हुआ है और भारत में कब लॉन्च होगा इसकी अभी कोई डेट नहीं आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या यह वास्तव में 5G स्मार्ट टैबलेट होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल का सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 और सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e लॉन्च किया था। चलिए बात कर लेते हैं गैलेक्सी टैब S6 के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इस टैब का जो डिस्प्ले है वो 10.5 इंच का फुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी बेहतरीन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सैमसंग का एस पेन भी मिलने वाला है, जो कि खासकर तभी टैबलेट में दिया जाता है। और बात करते हैं इसकी स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 128GB का स्टोरेज देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और वहीं इसके रैम की बात करें, तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिल सकता है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें, तो यहाँ पर आपको 7040mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। और बात करें सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन की जो कि 5G बेस्ड हैं, तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी Note 10s और सैमसंग गैलेक्सी Note 10 और A90 आदि स्मार्टफोन हैं जो कि 5G बेस्ड हैं, और जल्द ही यह 5G टैबलेट लॉन्च हो सकता है। और इसकी प्राइस की बात करें, तो यहाँ पर आपको यह टैबलेट का लगभग 60,550 रुपये तक का मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जब यह लॉन्च होगा काफ़ी ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों दुनिया का पहला 5G टैबलेट लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।